सब्सक्राइब कीजिए इंडियन फूड एंड ब्यूटी चैनल को, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। रेड कलर के बटन पे क्लिक कर लें, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप नए वीडियो के साथ अपडेट होते रहो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन फूड एंड ब्यूटी, और मेरा नाम है अंजलि। तो फ्रेंड्स, आज हम झाग वाली कॉफ़ी बनाने जा रहे हैं, वो भी बिना मशीन के। हम झाग वाली कॉफ़ी घर में कैसे बनाते हैं, और इसे कैपेचिनो भी कहते हैं, तो हम कैपेचिनो बनाना सीखेंगे। तो चलिए जानते हैं इसके लिए क्या क्या चाहिए। मैं यहाँ पे 2 कप के हिसाब से कॉफ़ी बना रही हूँ, और यहाँ पे 1 मग में हमने दूध डाल लिया। जितना आपको कप चाहिए, जितने आपको सर्व करना है आप उतना दूध ले लें। और 2 पाउच मैंने कॉफ़ी पाउडर लिया है नेस्कैफे के, आप चाहें तो ब्रू के भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नेस्कैफे का इस्तेमाल कर रही हूँ, और साथ ही साथ मैं चीनी ले रही हूँ, शुगर। तो 2 पाउच मैंने कॉफ़ी पाउडर डाले हैं और चीनी डाल रही हूँ। इसका मेज़रमेंट जो है फ्रेंड्स, अगर 2 चम्मच कॉफ़ी पाउडर है, ये टेबल स्पून, ये वाला स्पून मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, तो अगर 2 चम्मच कॉफ़ी पाउडर है तो 3 चम्मच चीनी होनी चाहिए। आप ये हिसाब से लें, 2 चम्मच कॉफ़ी पाउडर तो 3 चम्मच चीनी। तो मैंने हिसाब से ये डाल लिया, और हम दोनों को मिक्स कर लूँगी। और आप चाहें तो ये टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं फेंटने के लिए, इस टूल का। तो यहाँ पे मैं जो है बीट करने जा रही हूँ। तो हमने सबसे पहले जो है मतलब थोड़ा सा आप 2 ड्रॉप पानी डालें, और इसे आप धीरे धीरे करके फेंटते जाएँ, बीट करते जाएँ। जितना आप बीट करेंगी अच्छी तरीके से हमारी कैपेचिनो कॉफ़ी रेडी हो जाएगी फ्रेंड्स। और इसमें बस सिर्फ कॉफ़ी पाउडर और चीनी को बीट करना है, एक एक ड्रॉप पानी के डालते जाना है और बीट करते जाना है। एक साथ पानी नहीं डालना फ्रेंड्स, एक साथ पानी डालेंगे तो बबल्स जो है, जो झागदार हमें चाहिए वो नहीं बन पाएगा। तो इसलिए एक साथ पानी ना डालें, खराब हो सकता है ये जो हमने बनाना है गोल। तो इसलिए आप एक एक ड्रॉप डालें और बीट करते जाएं। शुरुआत में फ्रेंड्स ये स्टार्टिंग में जो है बिल्कुल टाइट हो जाएगा, जब हम इसे मिक्स करेंगे, बीट करेंगे, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल टाइट हो गया है चीनी और कॉफ़ी पाउडर। और फिर धीरे धीरे करके हम एक एक ड्रॉप डालते जाएंगे और बीट करते जाएंगे, तो शुगर जो है धीरे धीरे मेल्ट होती जाएगी, डिजॉल्व होती जाएगी, और कॉफ़ी पाउडर जो है वो धीरे धीरे करके जो है लाइट कलर होने लगेगा इसका। तो ये धीरे धीरे रंग जो है लाइट होने लगा है, और शुगर जो है मेल्ट होने लगेगी। तो ऐसे आप एक एक ड्रॉप डालें और बीट करते जाएं। जितना आप स्पीडली जो है बीट करेंगे, जितना अच्छे तरीके से आप बनाएंगे इसको, उतनी बढ़िया हमारी झागदार कॉफ़ी बनेगी, वो भी बिना मशीन के। और साथ ही साथ ये कैपेचिनो बिल्कुल कैफे स्टाइल बनेगी फ्रेंड्स। घर में बनाना बहुत ईजी है इसे। एस्प्रेसो और कैपेचिनो फ्रेंड्स बहुत ही अलग अलग मेथड से बन सकता है, बनता है। कैपेचिनो में फ्रेंड्स गर्म दूध करना पड़ता है, और एस्प्रेसो में गर्म दूध करके उसे बीट करना पड़ता है। तो एस्प्रेसो में गर्म दूध करके बीट करेंगे तो वो एस्प्रेसो है, उसके लिए गाढ़ा दूध चाहिए होता है, बिल्कुल थिक एकदम। और कैपेचिनो में सिर्फ गर्म दूध करना होता है। तो बहुत ही ईजी है फ्रेंड्स कैपेचिनो घर में बनाना, और इस तरीके से जो हम कैपेचिनो के लिए रेडी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स साइंस कुकिंग जो है साइंस रॉकेट नहीं है फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टेप बाय स्टेप अगर आप फॉलो करेंगे तो अच्छे तरीके से बन जाएगा। मेरा भी पहली बार जो है बिगड़ा था, लेकिन मैंने धीरे धीरे करके ट्राई करा तो बहुत ही आसानी से बन गया। अब मैं बहुत ही अच्छी कॉफ़ी कैपेचिनो बना लेती हूँ, तो बहुत ईजी है, बस आप छोटे छोटे स्टेप्स फॉलो करते जाएँ तो इसे आप घर में बहुत ही आसानी तरीके से बना सकते हैं। तो आप इसे लगातार जो है बीट करते जाएं, जितना अच्छे तरीके से बीट करेंगे उतनी झाग जो है बनेगी, और उतनी ही हमें जो है कैपेचिनो में झाग मिलेगा। तो यही है कैपेचिनो बिना मशीन के कॉफ़ी बनाने का स्टाइल। आप इसे जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है शुगर के मेल्ट होते जा रहे हैं, और कॉफ़ी का कलर भी लाइट होते जा रहा है। तो हमें उस स्टेज तक लाना है जितना अच्छे तरीके से बिल्कुल एकदम गोल बन जाए, उस स्टेज तक हमें बीट करते जाना है इसे। लगभग फ्रेंड्स इसे 2 मिनट में ये जो है बीट करने का प्रोसेस जो है रेडी हो जाएगा। 2 मिनट में जो है ये रेडी हो जाता है बीट करना, और इसे बाद में भी जो है ये काम आ जाता है। अगर बच भी जाता है तो आप इसे थोड़ा ढक के रख दें, फिर जब भी आपका कॉफ़ी बनाने का मन करे तो आप दोबारा भी बना सकती हैं। तो हमें इस स्टेज तक हमें बीट करना है, आप देख पा रहे हैं इस वीडियो में। तो हमें इस स्टेज तक लेकर आना है इसे, और फिर आना है, और हमारा जो है इस सिचुएशन तक हम पहुँचा चुके हैं इसको। और आप देखिए सिर्फ कॉफ़ी पाउडर, चीनी और हल्का हल्का एक एक ड्रॉप पानी का डालते हुए हमने इस तरह का जो है रेडी कर लिया। अब बिल्कुल रेडी है। अब हमें सबसे पहले क्या करना होगा, आप जितने भी आप सर्व करने जा रहे हैं उतने आप कप ले लें, कॉफ़ी मग ले लें,
और अब हम इसे जो है फैटने के लिए, मैंने एक कप लिया हुआ था तो आसानी हो जाती है फैटने के लिए। तो अब मैंने सबसे पहले जो है जितने कप हमें रेडी करने उतना हम दूध गर्म कर लेंगे अच्छे से, दूध को एक अच्छे से उबाला दिलवा लें। तो अब हमारा दूध जो है उबाला आने का इंतज़ार हो रहा है, तो दूध हमारा उबाला आ चुका है। अब हम इसे जो है गैस फ्लेम बंद कर देंगे। देखिए अब उबाल आ गया और अच्छे से हमारा दूध जो है फुल फैट दूध लेना है फ्रेंड्स। कॉफ़ी के लिए कैपेचिनो बना रहे हैं हम, तो फुल फैट आप दूध लें। फुल टोन मिल्क ले लिया हमने और उबाल लिया और हमारा दूध बिल्कुल रेडी है। अब हमने जो कप ले लेना है जिसमें हम सर्व करने जा रहे हैं, उसमें आप नीचे जो हमने बीट किया है वो सब वो बैटर डाल दें कॉफ़ी का। और एक और टिप फ्रेंड्स, अगर चीनी आपको थोड़ा कम लग रहा हो तो आप इसमें जो है गर्म दूध में आप चीनी भी साथ में मिक्स कर सकते हैं। तो गर्म दूध जब आप उबाल रहे हो तो आप उसमें चीनी डाल लें। और हमेशा कैपेचिनो के लिए आप दूध को ऊपर से जितना ऊपर तक करते जाएं उतना ऊपर करें, इससे क्या होगा झाग उठेगा नीचे से लेकर ऊपर तक, ऐसे जो है कटोरे को दूध के ऊपर लेते जाएं ऐसे झाग बन जाएगा। और इसके ऊपर वापस से हम जो हमने बीट किया था वो हम ऊपर से एक और जो है गार्निश कर देंगे। और टूथपिक लेके आप जो है कोई सा भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो मुझे जितना आता था मैंने उतना आप लोगों के साथ शेयर कर लिया। इस तरीके से बना सकते हैं फ्रेंड्स और बहुत सारे डिज़ाइन बन सकते हैं इससे, आप ट्राई करें। मैंने भी कुछ कुछ ट्राई किया, तो आप इसे हार्ट बना सकते हैं, कुछ भी डिज़ाइन बना सकते हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं फ्रेंड्स। तो मैंने जितना मैंने सीखा, जितना मुझे आता है, मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा कैपेचिनो बिना मशीन के घर में। बिल्कुल झागदार कैपेचिनो हमारा रेडी हो चुका है कॉफ़ी। और आप इसे गेट टुगेदर पार्टी या बच्चों को या घर में किस कहीं भी सर्व कर सकती हैं इस तरह की कॉफ़ी, तो बहुत ही अच्छी लगती है फ्रेंड्स। और जिनको अगर चीनी कम पसंद है तो ये इसमें बिना दूध में बिना चीनी डाल के भी आप सर्व कर सकती हैं। तो ऐसे हमारी जो है कैपेचिनो रेडी हो गई है। आई होप यू लाइक इट। आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जितना कि और लोग भी फ्रेंड्स इस चैनल के साथ जुड़ सकें तो व्हाट्सअप फेसबुक सभी पे शेयर करें। और मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताएं कि कैसे लगी आपको रेसिपी। और लाइक करना तो फ्रेंड्स बनता है। आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं फ्रेंड्स तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल जो है उसको भी ऑन कर लें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है फ्रेंड्स, ताकि जो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए अपने वीडियो के साथ अपडेट होते रहो। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।